हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं अपने इस चैनल पे इंजीनियरिंग का और बीएससी लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। ये मेरा मल्टीपल इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैं आपको डबल इंटीग्रल कैसे एवेल्युएट करते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है एरिया और वॉल्यूम के लिए, वो सब समझा चुकी हूँ। इससे पहले का लेक्चर्स बेटा देख के आना, ताकि ये लेक्चर अच्छे से समझ आए। आज सिखाऊंगी आपको कि डबल इंटीग्रल किस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने पे बहुत आसानी से इवेलुएट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। बच्चों, मेरी पेंसिल देखना सब बच्चे की कहाँ है, मैं वहां पढ़ा रही होती हूँ। तो डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट आप सबको पता है क्या मीनिंग है। आर थीटा फॉर्म, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा वाली जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं। पहली बात तो ये कि पोलर कोऑर्डिनेट की जरूरत क्या पड़ी। देखो बेटा, कई बारी क्वेश्चन में इंटीग्रेंड जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, या रीजन जो होता है जिस रीजन में हमें इंटीग्रेट करना होता है, जो लिमिट्स होती है हमारी एक्स और वाई की, वो थोड़ी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन टफ हो जाती है। पर हम उसको अगर पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने आप। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें पता चलता है, आइडिया लगता है कि ये क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व किया जा सकता है। और कई बार वो क्वेश्चन में लिख के देते हैं कि आपको पोलर से ही सॉल्व करना है, तो अगर पोलर से लिख दिया उसने क्वेश्चन में कि सॉल्व करना है, तो फिर तो कोई चॉइस नहीं हमारे पास, हमें वही करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, कैसे इवेलुएट होगा। सबसे पहले तो ये देखो, ये है मेरा डबल इंटीग्रल, जहां मेरी पेंसिल है। बच्चों देखो, ये मेरा डबल इंटीग्रल है जिसको मुझे इवेलुएट करना होता है। क्वेश्चन इसी फॉर्म में गिवन होता है, कोई सरफेस दिया हुआ है एफ एक्स वाई, सम रीजन आर दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन का रीजन दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा डी ए क्या है, एरिया है, एरिया एलिमेंट है। आपको इस कार्टेशियन इंटीग्रल को निकालना है। ठीक है, तो कार्टेशियन इंटीग्रल को निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमारे को बहुत सारे तरीके हमने सीखे हैं कार्टेशियन इंटीग्रल के क्या होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको हम इसको पोलर इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो पोलर इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए कई बार मतलब इस तरीके का इंटीग्रल होता है कि इंटीग्रेंड होता है कि पोलर इंटीग्रल में आराम से कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, पहले आप सब्स्टिट्यूशन लोगे कि एक्स को आर कॉस थीटा मान लिया और वाई को हमने आर साइन थीटा मान लिया। ठीक है, फिर हमारा डीएक्स डीवाई जो होता है ना, ये आर डी आर डी थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये आर क्या चीज है बेटा, ये वाला जो आर है ना, ये दिस वन, दिस आर इज एक्चुअली जेकोबियन। ठीक है, जेकोबियन की कब जरूरत पड़ती है हमें, जब हम किसी जैसे कार्टेशियन सिस्टम से निकलकर, कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स वाई सिस्टम जो है, जिसमें हम एक्स वाई जेड लिखते हैं। जब आप कार्टेशियन सिस्टम से निकलकर किसी और सिस्टम में जा रहे हो, मतलब किसी एक सिस्टम से निकलकर दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो वेरिएबल्स को, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का वेरिएबल डालना पड़ता है जेकोबियन। ठीक है, तो वो जेकोबियन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी पूरा एक लेक्चर बना हुआ है। ठीक है, और मैं ये सिखा भी देती हूँ यहाँ पे कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में जेकोबियन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम उसमें जेकोबियन डालते हैं। तो देखो बेटा, जो ये मेरा इंटीग्रल क्वेश्चन में गिवन होगा, डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी ए जो होगा, देखो जब मैं इसमें एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा डाल दूंगी, तो फंक्शन तो चेंज हो गया मेरा, एक्स आर कॉस थीटा वाई आर साइन थीटा डालने पे सारा फंक्शन आर थीटा का बन गया। और ये है मेरा डीएक्स डीवाई की जगह पे आर डी आर डी थीटा, ये आर मेरा जेकोबियन है। ये जेकोबियन कहाँ से आया है ये देखिए, जेकोबियन का बेटा फॉर्मूला होता है, जैसे आपका ओरिजिनल सिस्टम एक्स वाई है, तो हमने ऊपर लिखा डेल एक्स वाई, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आर थीटा सिस्टम में, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया डेल आर थीटा। इसको इवेलुएट कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले एक्स का दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लीजिए, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू आर, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये डिटर्मिनेंट की हैं, तो डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा। फिर यही सेम काम दूसरे वाला जो वेरिएबल है उसके लिए कीजिए, जो ये वाई वेरिएबल है, तो वाई को विद रिस्पेक्ट टू आर और वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैंने लिया वाई को विद रिस्पेक्ट टू आर, वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो थीटा कॉन्स्टेंट होगा, तो कॉस थीटा आ गया। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, आर एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। इस तरीके से बेटा डिफरेंशिएशन सब बच्चों को आती है, पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो आपने देखा कि आपने जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो आपको मिल गया यहाँ पर आर, तो मेरा जेकोबियन क्या है, आर। तो इसलिए मैंने लिखा कि जो मेरा कार्टेशियन इंटीग्रल गिवन था, ये मेरा कार्टेशियन इंटीग्रल है जहां इस वक्त मेरी पेंसिल है। ठीक
ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन इंटीग्रल है। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई की फॉर्म में इंटीग्रल गिवन है। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, आर थीटा की फॉर्म में कर लिया बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। और ये आर क्या है, मेरा जेकोबियन है। जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो जेकोबियन डाला जाता है साथ में, ठीक है। डी आर डी थीटा आ गया, ठीक है। तो अब जब अब क्या होगा क्वेश्चन में, डी आर डी थीटा आ गया तो अब लिमिट्स जो बन जाएंगी वो आर और थीटा की फॉर्म में बन जाएंगी, ठीक है। तो सपोज कर लो आर की लिमिट है आर वन थीटा से आर टू थीटा, और थीटा की लिमिट हो गई एल्फा से बीटा। तो ऐसे ही इसमें होगा बेटा, जैसे एक्स और वाई होता है, एक की कॉन्स्टेंट लिमिट और एक की फंक्शनल लिमिट। तो इसमें आर की फंक्शनल लिमिट बन जाती है और थीटा की आपकी कॉन्स्टेंट लिमिट बनती है। जिसकी कॉन्स्टेंट लिमिट होगी वो बाहर वाला इंटीग्रल होता है, जिसकी फंक्शनल लिमिट होती है वो अंदर वाला इंटीग्रल होता है। ये बात सब बच्चों को पता ही है, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर्स में समझाया है, फंक्शनल लिमिट हमेशा अंदर वाले इंटीग्रल पे लिखते हैं और कॉन्स्टेंट लिमिट हमेशा बाहर वाले इंटीग्रल पे लिखते हैं, राइट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं बेटा ये कैसे इवेल्युएट होती है चीजें। आपका क्वेश्चन है इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल बाय कन्वर्टिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट दिस वन। अब आप देखो आपका इंटीग्रेंड क्या है, 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको ये जो लिमिट्स दी हुई है इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या चीज है, ठीक है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कितने रीजन में आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो वो मेरा क्या है, देखो अगर अंदर की तरफ डीएक्स लिखा है और बाहर डीवाई है, तो पहले डीएक्स लिखा है तो जो अंदर वाला इंटीग्रल है वो एक्स की लिमिट दे रहा है। तो एक्स तो आ गया मेरा 0 से 4 माइनस वाई स्क्वायर के अंदर, ठीक है। और वाई मेरा किस में आ जाएगा, 0 से 2 में। तो वाई की कांस्टेंट लिमिट दे रखी है और मेरे को इसकी एक्स की फंक्शनल लिमिट दी हुई है। फंक्शनल मतलब फंक्शन की फॉर्म में लिमिट की बन है, राइट। अब मुझे इसे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो बेटा मैं अगर पोलर में ना भी लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि पोलर में करने से कुछ फायदा है कि नहीं है। देखो बेटा आपकी सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को डालिए आर साइन थीटा, ठीक है। यही होती है स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स करते हैं तो हमारा क्या आता है, यहाँ पे आ गया वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, इधर आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा ये जब आपको मिल जाए ना एक्सप्रेशन कहीं पर भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन कभी भी मिल रही हो ना, तो हमेशा आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने में फायदा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आप सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटीग्रेंड जो है मेरा एफ एक्स वाई, जो मेरा गिवन है एफ एक्स वाई इज माई इंटीग्रेंड, वो मुझे दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये 9 माइनस आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की दिखाई दे रही हो ना, तो वहां पे तो पोलर कोऑर्डिनेट से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा इंटीग्रेंड तो हमें समझ आ गया कि अब हमारा इंटीग्रेंड जो होगा एफ एक्स वाई जो था वो मेरा आर थीटा में अगर कन्वर्ट कर लेती हूँ, एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा डाल के, तो मेरा बन जाएगा 9 माइनस आर स्क्वायर इट्स अंडर रूट, ठीक है। तो मैंने पोलर में सारा कन्वर्ट करना है तो पहले इंटीग्रेंड कर लिया, ठीक है। अब मेरे को रीजन ऑफ इंटीग्रेशन भी आर और थीटा की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, देखो बेटा ये जो मेरा कंसीडर फर्स्ट पार्ट जो है ना इसको कंसीडर करो, देखो कंसीडर वन, ठीक है। तो मेरा वन क्या है, 0 < x > 4 माइनस वाई स्क्वायर, यही है, ठीक है। इसको ना एक बार इक्वालिटी साइन ले लो, देखो एक्स लेस देन 4 माइनस वाई स्क्वायर है ना, इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इक्वल टू भी आता है, इंटीग्रेशन में कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है। तो मेरा जब इक्वल टू लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया, तो ये क्या है, सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूंगी, जो रीजन मुझे दे रखा है स्केच करते हैं, तो ये मेरा बना सेंटर, रेडियस है 2, 0 और ये है 0, 2, और आप देख रहे हो कि एक्स ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरा ऊपर वाला पोर्शन आ गया, आपका एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। और लेस देन है तो इसका मतलब इंटीरियर ऑफ लेस देन 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट है, तो इसका मतलब मेरा जो है इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। लेस का साइन तो इंटीरियर ऑफ सर्कल बता रहा है। अब वाई की लिमिट देखो क्या दे रखी है बेटा, वाई की लिमिट दे रखी है बाय 2, मेरी वाई की लिमिट है 0 से 2, ठीक है। तो इसका मतलब वाई हो गया 0 से 2 ये वाला पोर्शन,
ठीक है ना, यहाँ पे वाई जीरो से टू है और एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो मैं इसका मतलब इस वाले रीजन में हूँ, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो क्योंकि आपका राइट साइड पे ही है, ठीक है। और मेरे को इंटीरियर ऑफ दी सर्कल लेना है, तो इंटीरियर ऑफ दी सर्कल का पोर्शन मैं लूंगी तो कौन सा शेडेड रीजन आ गया, यही रीजन आ गया मेरा शेडेड, ये मेरा आर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप समझ लो, इस आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया, अब आपको आर की और थीटा की लिमिट्स चाहिए। आप खुद देखिए इस वाले रीजन के अंदर आर की क्या वैल्यू होगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपका 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, तो आर स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2, प्लस माइनस 2 हुई। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हो तो पोल के ऊपर आर की वैल्यू होती है 0, ठीक है, इसको बोलते हैं पोल, एट पोल मेरी आर की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो बेटा जब भी आर की लिमिट निकालनी हो ना तो ऐसे निकाल लो, देखो आप एक पोल के ऊपर एक पॉइंट बनाओ, उससे जहां तक का आपका शेडेड रीजन है ना, जो भी बाउंड्री है वहां तक लेके जाओ अपनी लाइन को। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आर की वैल्यू मेरी 2 है और यहाँ मेरी पोल के ऊपर आर की वैल्यू होती है 0, तो मेरी आर की लिमिट क्या आ जाएंगी, 0 से 2 आ जाएंगी, ठीक है। और थीटा कितना होगा आप खुद देख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा शेडेड रीजन है, तो मेरा थीटा कितना आ जाएगा, 0 से π/2, क्लियर। अब आपको लिमिट्स इसकी मिल गई है तो अब आप इंटीग्रल बना लो, देखो मेरा अब डबल इंटीग्रल क्या बन जाएगा, थीटा बाहर की तरफ आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 से π/2, और आर की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0 से 2, और अंदर है मेरा इंटीग्रल आ जाएगा जो मेरा बना था 9 माइनस r² और ये आर मेरा जेकोबियन और फिर आर डी आर डी थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आर कहाँ से आया, दिस आर इज माई जेकोबियन, जो फॉर्मूले के अंदर मैंने लिखा था, जब भी आप पोलर में कन्वर्ट करोगे तो ये आर आपको एक्स्ट्रा डालना है जेकोबियन को, ठीक है। बाकी सब चीजें तो जो क्वेश्चन में थी उसी में कन्वर्ट हुई है। अब इसको इवेलुएट कर लीजिए आप, तो देखो इसको इवेलुएट मैं कैसे करूंगी, ठीक है, 9 माइनस r² को मैंने मान लिया t, तो -2r dr मेरा आ गया dt, ठीक है बच्चों। अब देखो जब r मेरा 0 है, मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू आर कर रही हूँ, वेन आर इज 0 तो टी क्या आ जाएगा, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 9, और जब मेरा आर 2 है तो मेरा टी क्या आ जाएगा, 2 2 4, 9 माइनस 4 5, ठीक है, तो टी मेरा 5 आ गया। तो ये इंटीग्रल सपोज कर लो इसका नाम मैंने रख दिया आई, तो मेरा आई इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा तो अभी एज इट इज ही है 0 से π/2, आर की जगह में मेरा आ गया टी गोइंग फ्रॉम 9 to 5, 1/√t, और आर डी आर की जगह आ जाएगा dt/-2, और ये डी थीटा बाहर ही रह जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल करो, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to π/2, 1/√t का इंटीग्रेशन, ये 2√t, ठीक है, तो कट गया ये 9 5, और ये डी थीटा अभी भी बाहर रह गया क्योंकि थीटा का तो मैंने इंटीग्रेशन अभी तक लिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -√5, आगे √t की जगह मैंने 5 डाल दिया, फिर एफ बी माइनस एफ ए होता है तो -√9 यानी कि 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये d थीटा। अब ये तो बेटा कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रह जाएगा, 1 का थीटा का d थीटा की जगह पे आ गया इंटीग्रेशन थीटा, और इसके अंदर लिमिट ले ली आपने 0 से π/2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 -√5π/2। ऑल राइट क्लास, तो ये आपका डबल इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने से आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। चलिए और देखते हैं बेटे क्वेश्चंस, देखो इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल dx dy बाय कन्वर्टिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप खुद देख रहे हो इसके अंदर फिर से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है, जब भी ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। तो अब इसमें देखो बेटा, इसमें भी मेरे पास क्या, पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मेरा क्या है, देखो अंदर की तरफ dx लिखा हुआ है, ये देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में dx लिखा है, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है अंदर वाले इंटीग्रल वाली वो x की लिमिट है, तो y लेस देन इक्वल टू x और 8 - y², ठीक है। ऐसे ही y की लिमिट बाहर वाली होंगी तो वो कितनी दी हुई है, 0 से 2। पहले तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ही बना लें अपना, ठीक है ना। तो देखो बेटा जब ये वाली साइड ली मैंने, इस वाली साइड को लेंगे इक्वालिटी साइन के साथ कंसीडर कर लो, क्योंकि लेस और ग्रेटर तो सिर्फ ये बताते हैं कि आपको रीजन नीचे का चाहिए, ऊपर का चाहिए, इंटीरियर चाहिए या एक्सटीरियर चाहिए, तो कंसीडर इक्वालिटी साइन। तो ये वाला देखो वाई इक्वल टू एक्स आ गया एक तो, ठीक है, और दूसरा इस वाली साइड की लेंगे जहां मेरी पेंसिल है, तो ये क्या दे देगा, एक्स इक्वल टू 8 - y², ये दे देगा। तो इसका जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है।
यहाँ पर अच्छा, जब भी दो कर्व गिवन है, जैसे y इक्वल टू एक्स है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा हमें कहाँ तक जाना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट इस कैसे निकलेगा, वाई को एक्स डाल देती हूँ, ठीक है ना, दोनों को आपस में सॉल्व करना है, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से मेरे पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर फोर, यानी कि एक्स आ गया प्लस माइनस टू, ठीक है। अगर एक्स प्लस माइनस टू है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टू और माइनस टू माइनस टू आ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है बच्चों यहां तक, राइट। अच्छा और देखिए आपके पास यहां पर ये भी पता चलता है आपको, क्योंकि आर चाहिए ना आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट है, इसका मतलब आर क्या हो गया आपका, एट हो गया, ठीक है। और इधर मैं लिख देती हूँ दोबारा, ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट का क्या मीनिंग हो गया, मेरा आर जो है वो एट है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मेरी सब्सटीट्यूशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू, मैं नीचे ही लिखती हूँ देखो, ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा मेरे पास वो आर इक्वल टू एट दे देगा। और देखो वाई इक्वल टू एक्स है, इसमें जब आप आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा डालोगे दोनों बराबर किए, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू वन, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर, ठीक है, राइट, क्लियर है। आप देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन शेड कर लो जरा सा, पहले आपको चाहिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखिए नीचे शेड करती हूँ, देखो आपकी लाइन है y इक्वल टू एक्स और सर्कल है विद सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट था, तो रूट एट, तो y इक्वल टू एक्स तो ये लाइन हो गई मेरी, ठीक है, और सर्कल विद सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस रूट एट हो गई, तो रूट एट कॉमा जीरो ये पॉइंट हो गया। अब देखो आपका रीजन है वाई, सॉरी एक्स का दे रखा है ना, एक्स ग्रेटर देन ये दे रखा है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एट माइनस वाई स्क्वायर लेस। अब आप खुद देखो बेटा एक्स लेस देन दिस दे रखा है तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, और वाई लेस देन एक्स, वाई लेस देन एक्स क्या होता है, लाइन वाई इक्वल टू एक्स के नीचे का रीजन, तो मेरा ये शेडेड रीजन हुआ, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है मेरा, टू कॉमा टू हो गया, ठीक है बच्चों। और मेरी वाई की लिमिट कितनी दी हुई है, जीरो से टू, वाई जीरो से टू दे रखा है, तो वाई जीरो यहाँ है और टू यहाँ पर है, यहाँ पर वाई की वैल्यू टू है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो यही वाला रीजन है, नीचे का वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस मेरी नहीं होगी, ये रीजन शेडेड नहीं होगा, बिकॉज वाई जीरो से टू दे रखा है, तो मेरा शेडेड रीजन बस इतना ही है, इस लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में और कर्व के बीच में जितना, ये जो सर्कल है इसके बीच में जितना ग्राफ है, ठीक है। तो अब आप खुद देखो आर की लिमिट क्या होंगी, देखो ध्यान से, ये देखो बेटा आपने एक पॉइंट पोल पे रखा और शेडेड रीजन के अंदर जो है लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, तो आपको पता चला कि आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, अब जीरो से आर कितना आ रहा था मेरा यहाँ पर, पूरे सर्कल के ऊपर आर की वैल्यू बन रही थी एट, तो आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो से, नहीं आर स्क्वायर इक्वल टू एट है, ठीक है ना, तो आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो से रूट एट, ठीक है बेटा। क्यों ये रूट एट बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू एट, तो आर की वैल्यू आ गई रूट एट, ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई जीरो से रूट एट, आर बेटा जीरो होता है पोल के ऊपर, तो ये वाले हमने इसके अंदर शेडेड रीजन में एक लाइन ड्रॉ कर ली, उससे मुझे पता चल जाएगा एक एंड पॉइंट पे वैल्यू R पोल पे तो R इक्वल टू जीरो है, और दूसरे एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, इस पूरे सर्कल की जो इक्वेशन थी, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, आर इक्वल टू रूट एट, ठीक है, तो आर की वैल्यू, आर की लिमिट्स तो आ गई जीरो से रूट एट, और थीटा की कितनी आ जाएगी मेरी, थीटा आपने देखा कि वाई इक्वल टू एक्स का मतलब होता है थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर, तो थीटा मैं कितना मूव करी हूँ, जीरो से पाई बाय फोर, तो मुझे लिमिट्स मिल गई थीटा की जीरो से पाई बाय फोर, क्लियर। तो अब मैं इंटीग्रल अपना कन्वर्ट कर लेती हूँ, देखो मेरा क्वेश्चन गिवन है जीरो से टू और वाई एट माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स अंडर रूट dx dy, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, थीटा तो आ गया मेरा जीरो से पाई बाय फोर और r आ गया मेरा जीरो से रूट एट, अंदर आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह डाल दिया आर स्क्वायर
अब जेकोबियन आर और फिर डी आर और ये डी थीटा, ये आर मेरा फिर से जेकोबियन है। ठीक है बेटा, इसमें कन्वर्ट हो गया। देखो आपने सिंपल सिंपल क्या करना है, जो गिवन कार्टेशियन इंटीग्रल था उसका पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बना स्केच कर लो, स्केच करके आपको रीजन मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर और थीटा निकाल लो। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन मुझे करनी है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पहले करी थी। पुट 1 प्लस आर स्क्वायर को टी मान लिया तो 2r dr आ गया dt। अब लिमिट्स कितनी आ जाएंगी, देखो व्हेन r इज 0 t है 1, व्हेन r इज रूट 8 तो 8 प्लस 1 9, t आ गया मेरा 9। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रल इसका नाम i दे देते हैं। तो i इंटीग्रल मेरा कन्वर्ट हो गया। थीटा तो 0 से पाई बाय 4 ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं है, और ये बन गया t 1 से 9 पर 1 अपॉन रूट टी आर डी आर की जगह डी टी अपॉन 2 और थीटा बाहर ही रह गया। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी अपॉन 2 यही वाला रह जाएगा 1 से 9 डी थीटा, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। 2 से 2 कट गया बेटा, ये आ गया रूट 9 माइनस 1, रूट 9 इज 3, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो 2 डी थीटा, थीटा 0 से पाई बाय 4, तो इसका इंटीग्रल हो गया थीटा, वैल्यू डाल दिया आपने तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इवेल्युएट करना है बेटा। सीधी सीधी बात है, आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन है ना, पहले इसको उतार लिया करो। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो गिवन है उसको स्केच करना पड़ेगा, वहां से आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक दो बार ही करना पड़ेगा, इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं आता है, दो तीन बार सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ कराऊंगी ना, ये मैंने डिफरेंट बुक से लेकर वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो इन सबको एक बार ही ना दो दो तीन तीन बार सॉल्व कर लेना, उससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीजें कि इसको ऐसे करते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बेटा फिर हो जाएगी प्रैक्टिस। अब देखो क्या गिवन है, मुझे दिया हुआ है वेयर इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर आर इज द रीजन इन द अपर हाफ प्लेन बाउंडेड बाय, देखो ये एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखो पहले तो ये रीजन ही आप इंटीग्रेट कर लो। देखो पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया आपका सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। तो देखो अगर आप एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा डालते हैं, ठीक है, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कि आर इक्वल टू 1। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी कि आर इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये अंदर वाला सर्कल हो गया आर इक्वल टू 1 और बाहर वाला पोलर कोऑर्डिनेट में हो गया आर इक्वल टू 2। मुझे रीजन कौन सा लेना है, देखो R इज द रीजन इन द अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन मतलब सिर्फ x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन, बाउंडेड बाय दीज टू सर्कल्स, सर्कल ये दोनों के दोनों सर्कल उस रीजन की बाउंड्री बना रहे हैं, बाउंडेड मतलब बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरा शेडेड रीजन कौन से वाला हो गया, अपर हाफ प्लेन मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर जाओ, और बाउंड्री कौन, दोनों दोनों मिलके बनाएंगे, तो ये रीजन मेरा जो है ये शेडेड रीजन बन गया। क्लियर बच्चों, अब इस शेडेड रीजन में आर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखो कैसे निकालोगे, शेडेड रीजन के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, शेडेड रीजन के अंदर करो, अब देखो ये वाला जो एंड पॉइंट है यहां पर वैल्यू क्या है, आर की 1, और जो बाहर वाला एंड पॉइंट है लाइन का उस पर वैल्यू क्या है, 2। तो आर की लिमिट तो मुझे मिल गई 1 से 2। ठीक है, अब थीटा बताओ कितना होगा, सब बच्चे देख सकते हो कि शुरू के दो क्वाड्रेंट मिल जाते हैं तो थीटा कितना वेरिएशन ले जाता है, 0 से पाई। ठीक है बच्चों, तो थीटा की वेरिएशन कितनी आ गई, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो 0 से पाई बाय 2, दो क्वाड्रेंट आ गए तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 से पाई। तो बस आर और थीटा दोनों मिल गए तो अब तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने मान लिया कि मेरा गिवन इंटीग्रल आई है, तो मेरा गिवन इंटीग्रल है बेटा आर 3x प्लस 4y स्क्वायर इंटू डी ए। इसको कन्वर्ट कर लो बेटा, देखो थीटा की वैल्यू आ गई 0 से पाई, आर की वैल्यू आ गई 1 से 2। ठीक है, 3x की जगह डाला r cos थीटा, y की जगह डाला r sin थीटा। ठीक है, और ये रहा मेरा जेकोबियन r और ये dr और ये d थीटा। ठीक है बेटा, बस अब इसको सॉल्व करना रहेगा इंटीग्रल को, बाकी तो हो गया, तो थीटा तो बाहर ही रह जाएगा। पहले r वाले को सॉल्व कर लेते हैं, पहले अंदर r ले लो
थ्री आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये विद रिस्पेक्ट टू आर है आपका, ठीक है। आर हो गया वन से टू, तो विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे बेटा तो थीटा कॉन्स्टेंट रह जाएगा आपका, ठीक है। तो थ्री आर स्क्वायर का आर क्यूब बाय थ्री कॉस थीटा प्लस फोर आर स्क्वायर का आर क्यूब, एक मिनट बेटा, ये आर स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर है तो यहाँ आर स्क्वायर रहा होगा, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर फोर बाय फोर आ जाएगा, आर फोर बाय फोर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू आर हो गया और थीटा वाला बाहर ही रह गया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू डाल दो बेटा, पहले आर की वैल्यू टू डाली, टू टू जा फोर टू जा एट कॉस थीटा प्लस सिक्सटीन साइन स्क्वायर थीटा। अब आर की वैल्यू वन डालोगे बेटा तो ये आ जाएगा, ठीक है, डी थीटा। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये कितना आ जाएगा, एट कॉस थीटा में से कॉस थीटा माइनस किया सेवन कॉस थीटा, और सिक्सटीन में से वन माइनस किया फिफ्टीन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बस थीटा का इंटीग्रेशन रह गया बेटा, थीटा की रेस्पेक्ट में रह गया, सबको पता है सेवन कॉस थीटा, थीटा जीरो टू पाई प्लस फिफ्टीन साइन स्क्वायर थीटा को आपको पता है कि मल्टीपल एंगल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। बस अब आराम से इंटीग्रेट होगा, देखो सेवन कॉस थीटा का हो गया बेटा साइन थीटा प्लस फिफ्टीन बाय टू, ब्रैकेट खोली वन का इंटीग्रेशन थीटा माइनस फिफ्टीन बाय टू कॉस का इंटीग्रेशन बेटा साइन टू थीटा, थीटा जीरो से पाई, ठीक है। अब बेटा साइन पाई तो आपका जीरो होता है, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा 15 बाय टू पाई, और वो भी सारा थीटा पे जीरो डालने पर भी साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 15 पाई बाय टू। क्लियर है क्लास, ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस बेटा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द प्लेन जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड द पैराबोलॉइड जेड इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे को पैराबोलॉइड का क्वेश्चन आपकी बारी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। आप फिर से देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप एक्सप्रेशन आ रही है ना इसके अंदर, तो मेरा पोलर कोऑर्डिनेट इज मच यूजफुल फॉर मी, तो पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो मेरा जेड क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको वन माइनस अंदर ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वन माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आप देखो, और हमें वी आर गिवन जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब देखो z को मैंने जीरो डाला तो जीरो इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि z को जीरो डालोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू वन आ गई, तो इसका मतलब r की वैल्यू मेरी वन हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा r निकलाया, और हमें दिया हुआ है प्लेन z इक्वल टू जीरो एंड द पैराबोलॉइड z इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा एक बारी, When z equal to zero, तो मेरा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो आया था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा वन आया था, तो मैं बेटा मैं कार्टेशियन में प्लॉट करके देख पाती हूँ कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो सर्कल विथ सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस वन तो मेरे को दे रखी थी, अब मुझे z इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन है मेरे पास, और ये पूरा का पूरा दिया हुआ है मेरे को सर्कल, अब की बार ये और कोई चीज नहीं दी हुई, मेरा सारा रीजन शेडेड है। क्यों शेडेड है बेटा, क्योंकि मुझे पूरा सर्कल तो यहां से मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन से, और जब जेड इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है इट मीन्स एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन तो सारा का सारा है, तो मेरा पूरे के पूरा चारों क्वाड्रेंट जो है ये कवर हो रहे हैं आपकी बारी। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो थीटा की वेरिएशन होनी चाहिए चारों क्वाड्रेंट है, तो जीरो से टू पाई, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अगर आप इसमें कोई पैरेलल वो इसमें कोई लाइन ड्रॉ करते हो आर की लिमिट देखने के लिए, तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास R होगा पोल पे जीरो, आपने ये लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, तो ये वन होगी यहाँ पे, यहाँ R जीरो है, यहाँ पर R आपके पास वन होगा, और देखो बेटा जब आप थीटा को जीरो से टू पाई लोगे तो ये पूरा ऐसे R वाली जो लाइन है पूरी मूव करेगी जीरो से वन वाली लाइन, तो ये पूरा थीटा जीरो से टू पाई कवर हो जाएगा आपका। तो R की लिमिट बेटा आ गई थीटा से, R की लिमिट आ गई जीरो से वन, और थीटा की लिमिट आ गई मेरी जीरो से टू पाई, ठीक है बेटा। देखो अभी जनरली इसके अंदर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में सर्कल कवर हो रहा होता है, अगर सर्कल है तो ये देखा करो सर्कल पूरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या वाई इक्वल टू एक्स दिया हुआ तो थीटा पाई बाय फोर हो जाएगा,
दो क्वाड्रेंट है तो पाई तक आ जाएगा, ठीक है। और आर की कैसे निकालनी है, पोल लिया हुआ है आपने आर इक्वल टू जीरो, और फिर जो क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, जो भी सर्कल बन रहा है वहां से आर की जो वैल्यू आ रही है वो आर की लिमिट हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा डबल इंटेग्रल में बेटा क्या होता था, आपके पास जेड डी ए यही होता था वॉल्यूम का, या एफ एक्स वाई डी ए। अब जेड मेरे को क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और डी ए की जगह हम क्या लिख लेते थे, डी एक्स डी वाई, यही था वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया हुआ है। अब इसको तुमने कन्वर्ट कर लिया आर थीटा फॉर्म में, तो आर की वैल्यू 0 से 1 आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, ये जेकोबियन आर डी आर और डी थीटा, ठीक है बच्चों। अब आपको इसको इवेलुएट करना है, ठीक है, देखो कैसे इवेलुएट होगा। ये देखिए, ये तो देखिए, ठीक है, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, 0 से 2 पाई आर 0 से 1 आर माइनस आर क्यूब, ठीक है, डी आर डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर पहले करेंगे, तो आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय टू, आर क्यूब का आर 4/4, इसके ऊपर लिमिट लोगे 0 से 1, और थीटा वाला टर्म बाहर ही रह गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू डाली बेटा, 1 डालेंगे तो 1/2 माइनस 1/4, और आर को 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, बस इतना आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। अब 1/2 में से 1/4 माइनस किया तो 1/4 आ गया, और अंदर बच गया आपका डी थीटा, ठीक है। इससे देखो बेटा पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने से इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गई आपकी, ठीक है ना, 0 से 2 पाई, तो ये आ जाएगा 2π/4, थीटा को 0 डाला तो 0 हो गया, तो यहां से इंटीग्रल आ गया बेटा मेरा π/2, क्वेश्चन में वॉल्यूम वर्ड था तो क्यूबिक यूनिट्स, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आप डबल इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके करो। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट लाइज अंडर द पैराबोलॉइड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अबव द एक्स वाई प्लेन एंड इनसाइड द सिलेंडर। पहले तो बेटा रीजन देखते हैं कौन सा है इंटीग्रेशन का, तो मेरा सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर इसलिए दे बेटा, देखने में इक्वेशन सर्कल की है बट इसको अगर थ्री डायमेंशन में लोगे तो सर्कल बिकम्स द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जेड कुछ भी वैल्यू ले सकता है और सर्कल जो है प्रोजेक्शन है, राइट। तो देखो जरा इसको मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लूँ एक बारी, ये हो जाएगा। अब सबको पता है कि एक्स स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो एक्स का जो कोफिशेंट है क्या है, वो कोफिशेंट ऑफ एक्स है मेरा 2, ठीक है। इसका हाफ किया तो मेरा बन गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर किया तो बना 1, फिर इसको एड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, यही हो जाता है जो आता है। इसी तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो बेटा, तो मैंने इसमें प्लस 1 भी कर लिया और माइनस 1 भी कर लिया। अब प्लस 1 वाली टर्म से हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो ये बन गई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, अब ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया बेटा मेरा, सर्कल विद सेंटर 1,0 एंड रेडियस 1। तो ये क्रॉस सेक्शन है बेटा, सर्कुलर सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन है ये सर्कल, ठीक है। अब बेटा देखो रीजन शेड करो, उसने हमें क्या रीजन दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है ये वाला, तो हमारा ये बन गया सर्कल विद सेंटर 1,0, सॉरी ये नहीं होगा, तो 1,0 सेंटर ये होगा और ये रीजन बन गया, ठीक है। अब इसमें देखें कितना रीजन शेडेड है, क्वेश्चन में क्या बात लिखी हुई है, पैराबोलॉइड को तो बेटा इंटीग्रेट करना है जिसका वॉल्यूम निकालना है, अबव द एक्स वाई प्लेन एंड इन साइड द सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर का रीजन शेडेड है। अबव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब जेड इक्वल टू 0, और अबव एक्स वाई प्लेन मतलब जेड ग्रेटर देन 0, तो यानी कि जेड की पॉजिटिव एक्सिस ली हुई है, एक्स वाई प्लेन मेरा कंप्लीटली कवर्ड है, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई कंप्लीटली कवर्ड है, तो मेरा ये सारा रीजन मेरा क्या हो गया, शेडेड रीजन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जरा पोलर कोऑर्डिनेट में देखें इसकी लिमिट्स क्या होंगी, देखो मेरा दिया हुआ है एक्स माइनस 1 वाई, या ऊपर वाली इक्वेशन ले लो वो ज्यादा आसान रहेगी हमारे लिए, वी हैव, हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसमें x को r cos थीटा डालो बेटा, y को r sin थीटा डालो, तो मेरा क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू 2x की जगह डाल दिया r cos थीटा, तो यहां से r आ गया 2 cos थीटा, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने r की लिमिट निकालनी कैसे सिखाई है आपको, ये देखो यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करी है आपने रीजन के अंदर, तो पोल पे तो r 0 होता है, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई है, ये पूरा कर्व है r 2 cos थीटा,
तो आर की लिमिट्स तो बेटा मेरी आ गई 0 से 2 cos थीटा। अब मुझे थीटा देखना है बेटा क्या होगा। तो देखो थीटा को बहुत ध्यान से देखना है। मेरा ये कर्व जैसे अगर मान लीजिए मेरे को दे रखा आर इक्वल टू 2 cos थीटा, इसको मैं एज अ पोलर कर्व अगर ट्रेस करूंगी तो कैसे करूंगी। देखो थीटा की लिमिट डालते हैं, कुछ ना थीटा की कोई वैल्यू देंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग आर निकालते हैं। देखो थीटा को 0 डाला तो कॉस 0 कितना आया, 1, तो ये वैल्यू आ गई आर की 2। थीटा को आपने लिया सपोज कर लो पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 2 cos π/4 इज 1/√2, तो 2/√2 यानी कि √2। ठीक है, और कोई वैल्यू दो थीटा को, पाई बाय 2 दिया तो आर आ जाएगा 2 cos π/2 विच इज 0। ठीक है, जरा प्लॉट करके देखो इसको क्या बनता है। देखो बेटा सर्कल जब सेंटर 0 0 और रेडियस 1 था तो बड़े आराम से मिल गया था। अब हमारा सेंटर चेंज हो गया तो इसलिए हमें थोड़ा रीजन के अंदर थीटा की क्या वैल्यू ध्यान से देखनी है। देखो आर अगर 0 है, आर थीटा अगर 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस आर की वैल्यू 2 है, सपोज कर लो इतनी वैल्यू आर की 2 है। ठीक है, थीटा पाई बाय 4 ये होगा, इसके ऊपर मुझे आर की कितनी लेंथ लेनी है, 2, तो ये हो गई सपोज कर लो √2, इतना हिस्सा आर इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, फिर मेरा थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 है, यानी कि ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट है। ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, तो मेरा ये रीजन ऊपर का शेड हो गया। इसका मतलब 2 टाइम्स ऊपर का रीजन कर दूंगी तो नीचे का भी आ जाएगा, तो ये मेरा नीचे वाला रीजन -π/2 पे आया होगा, है ना। थीटा की वैल्यू -π/2 लूंगी तो देखो क्या आएगी, तो भी 0 आएगी। तो इसका मतलब पूरा सर्कल कवर करने के लिए मुझे थीटा को कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ा होगा, -π/2 से π/2 में। ठीक है बेटा, थीटा की लिमिट थोड़ी ध्यान से देखनी थी। बेटा थीटा 0 से π/2 में सिर्फ ऊपर का रीजन शेड हो पाता है, तो थीटा को -π/2 से π/2 ले लोगे तो नीचे का रीजन भी शेड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थीटा की रेंज हो गई -π/2 से π/2 और आर की रेंज हो गई 0 से 2 cos थीटा। अब बेटा वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या होते हैं, जेड डी ए, यही सिखाया हुआ है आपको। अब जेड क्वेश्चन में पैराबोलॉइड दिया हुआ है जो कि मेरा x2 + y2 है। ठीक है, और डी एक्स डी वाई बन गया। अब इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो x2 cos थीटा, y2 sin थीटा डाला तो ये बन गया r2 x2 + y2 की जगह डी एक्स डी वाई किसके बराबर होता है, आर डी आर टी थीटा, जहाँ पे आर आपका जेकोबियन होता है। अब आर और थीटा की लिमिट्स लेनी है, तो बेटा आर तो आ गया 0 से 2 cos थीटा और थीटा मेरा क्या आ गया, -π/2 से π/2। ठीक है बच्चे, अब आप चाहें तो इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए -π/2 से π/2 को लिख सकते हैं 0 to π/2 और आर की वैल्यू हो गई 0 से 2 cos थीटा, आर स्क्वायर की जगह r² × r³ हो गया r³ dr। अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, r³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁴/4। ठीक है, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से 2 cos थीटा। ठीक है, और बाहर है मेरा d थीटा, थीटा है 0 से π/2 2 टाइम्स, राइट। तो ये आ जाएगा r की जगह डाला 2 cos थीटा, तो 16 cos 4 थीटा अपॉन 4, r को 0 डालूंगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर ही रह गया, थीटा 0 से π/2 सॉरी। ठीक है, तो अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, 16 × 2 = 32/4 8, तो 8 cos 4 थीटा को मुझे इंटीग्रेट करना रह गया। अब बेटा देखो आपको cos 4 थीटा को इंटीग्रेट करना, जो आपने सीखा होगा cos²θ का स्क्वायर किया, फिर cos²θ को 1 + cos²θ/2 लिखा, वो भी ठीक है तरीका, मैं एक और आसान तरीका आपको सिखा देती हूँ। देखो इधर जरा साइड में समझ लें सब बच्चे, रिडक्शन फॉर्मूला से बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकती हैं। अगर आपका 0 से π/2 ही हो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो, अंदर या तो कॉस की कोई पावर हो या साइन की कोई पावर हो, जैसे यहाँ पे कॉस की 4 पावर दी हुई है, साइन की 4 होगी तो भी सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, कोई भी पावर हो, कॉस की साइन की कितनी भी बड़ी पावर हो, ठीक है, और 0 से π/2 पे आपको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे निकलेगा, देखो जो पावर दे रखी है पहले नीचे लिख ली, फिर एक एक नंबर कम करते जाओ, देखो 4 के बाद 3, फिर 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर आपका 1/2 पे खत्म हो तो बेटा π/2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या तो 1/2 पे खत्म होता है या 2/3 पे खत्म होता है, अगर 1/2 पे खत्म हुआ है तो π/2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8 × 16। और देख लो एक फॉर्मूला, मतलब एक दो इंटीग्रेशन और देख लो, सपोज कर लो आपको साइन सेवन थीटा डी थीटा निकालना है और थीटा 0 से π/2 ही होना चाहिए, ठीक है, तभी लगेगा रिडक्शन फॉर्मूला, वरना नहीं। तो देखो कैसे निकल जाएगा, 7 पावर जो भी दे रखी है वो नीचे लिखी, फिर ऊपर आ गए 6, ठीक है, एक एक कम करते जाओ, फिर 5,
फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब देखो 2 बाई 3 पे खत्म हुआ है ना, तो कुछ नहीं करना। अगर 1 बाय 2 पे खत्म होता तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज नहीं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सॉल्व कर लो इसको, 6 4 जा 24, 2 जा 48, ठीक है, 7 5 5 3 जा 15, 7 जा 105, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इससे बेटा ये साइन की या कॉस की कोई भी पावर हो, अगर इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 में है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये साइन और कॉस पे लगता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा मेरा, 8 कॉस 4 थीटा था ना, तो 4 फिर ऊपर 3 फिर 2 फिर 1, 1 बाय 2 पे खत्म होगा तो पाई बाय 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व कर लो बेटा इसको, ये क्या आ रहा है आपका, 4 2 जा 8 कट गया, तो 3 पाई बाय 2। वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बेटा आप पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट क्लास, सो आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर हेयर। बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।